राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेश बंसल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इस संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं सफल हुई हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी नरेश बंसल ने चर्चा की। उन्होंने कहा 2022 तक का लक्ष्य है कि सभी किसानों की आय दोगुनी की जाए, किसानों को 6000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि के रूप में दिया जाए, साथ ही किसानों को 1,00,000 रुपए तक के ऋण भी दिए जाएं, जिस पर 5 वर्षों तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। सड़कों को हर मौसम में चलने लायक बनाया जाएगा, जिससे यातायात में कोई समस्या नहीं होगी। नरेश बंसल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले होते थे और इस बार पिछले 5 सालों में मोदी सरकार देश को एक नए आयाम पर ले जा रही है। पहले जो 10 वर्षों की यूपीए की सरकार थी, उसकी न निर्णय लेने की क्षमता थी, न उनकी कोई नीति थी और वो एक प्रकार से घोटालों की सरकार थी। उस सरकार की नीति न होने के कारण, दिशाहीनता के कारण, निर्णय लेने की क्षमता न होने के कारण जो देश की प्रगति में बाधा आई थी और प्रगति में विभिन्न प्रकार के गड्ढे थे, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 5 साल में शानदार ढंग से उन गड्ढों को भरकर एक भविष्य का नया भारत बनाने की नींव डालने का काम किया। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।